मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सैटरडे सैटरडे को मेरी मम्मी लोग वेज खाते हैं और हम लोग थोड़ी देर बाद जाएंगे घूमने प्रतिशिर्डी। तो इसलिए अभी फटाफट कुकिंग चल रहा है क्योंकि रात को तो आके खाना है, दोपहर को तो बाहर खाएंगे और सुबह भी कुछ खा के जाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है दलिया का खिचड़ी। दाल को थोड़ा ड्राई रोस्ट करके बॉईल कर लिया है। यहाँ पे दलिया धो के रखा है, ऑनियन गार्लिक कुछ नहीं है, जिंजर सब कुछ देके कर रही है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा राइस भी बिठा दिया है क्योंकि रात को आके मुझे राइस ये सब गर्मी में बनाना ना पड़े। मम्मी हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे दलिया देखे, दलिया को भी थोड़ा फ्राई करेगी। उसके बाद यहाँ पे मूंग दाल बॉईल करके रखी, थोड़ा सा आधा बॉईल उसको डाल देगी कि मतलब उसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा अच्छे से कर रही है। और यहाँ पे परवल भिगो के रखी हूँ, अभी मैं परवल की सब्जी भी बना लूँगी। हम बॉईल करेंगे, कुकर में नहीं बना रहे, कुकर में टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। पे दलिया का खिचड़ी बन गया है, खिचड़ी के साथ आलू फ्राई और बैंगन फ्राई, बैगन भाजा सब खा रहे हैं एज अ ब्रेकफास्ट। यम्मी यम्मी। यहाँ पे अनुरुद्ध भी खा रहे हैं और यहाँ पे तो कुछ भी खा रहा है। तो सुबह आप लोगों से बात होने के बाद अभी हम मिल रहे हैं और हम पूरा फैमिली तैयार होके निकल गए हैं। प्रतिशिर्डी हम पहले बहुत बार गए हैं, सिर्फ भाभी और पृष्टि के लिए हम लोग जा रहे हैं फिर से। प्रतिशिर्डी शॉर्ट टूर भी है और जैसा शिर्डी है सेम टू सेम वैसा ही, जो साई बाबा का जो मूर्ति है आइडल है वो सेम वैसा ही है, इसलिए हम लोग प्रतिशिर्डी जा रहे हैं। तो सोचे थे थोड़ा जल्दी निकलेंगे 10 बजे, पर आज हम लोगों का ना गैस का पाइपलाइन करने के लिए आने वाले थे। पृष्टि बोल रही है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बहुत मज़ा। तो हम लोग जितने भी महाराष्ट्र, ये वीडियो जब पब्लिश होगा तब गुड़ी पड़वा मतलब खत्म हो जाएगा, पर फिर भी नया साल का शुरुआत है तो मतलब रोज गुड़ी पड़वा है, रोज न्यू ईयर हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आप सभी को मेरे फैमिली की तरफ से हैप्पी गुड़ी पड़वा, बहुत अच्छे से रहिए, सावधानी से रहिए और बहुत अच्छी तरह से गुड़ी पड़वा, बहुत अच्छी तरह से अपना साल अपने फैमिली मेंबर्स के साथ स्पेंड कीजिए, घूमिए फिरिए। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। घर बैठे ही शिर्डी साई बाबा का दर्शन हम करा देंगे। ये गुरुद्वारा है, बहुत ही सुंदर, बट हम कभी गए नहीं इसके सामने से, हम हजार बार गए बट इस गुरुद्वारा में कभी नहीं गए। अभी चले, अभी नहीं, उस जाने का टाइमिंग होता। तो हम लोग फाइनली बड़े गणपति के वहाँ पे आए हैं, तो क्योंकि अनुरोध बोले नजदीक है तो फिर क्यों हम लोग इसको मिस करेंगे, इसको देख के ही जाते हैं। तो इसके अंदर घुसने का जो रास्ता है ना वो एकदम गली के अंदर से है और लोगों के घर के बीच से है, और यहाँ पे एक बड़ा सा पानी का टंकी भी है, तो उस टंकी के पास में है हमारे बड़े से गणपति जी। 1 जनवरी को ही आए थे तो फिर से लोगों के साथ और एक बार आना हो गया। और वो देखिए गणपति यहाँ से दिख रहा है। ए बड़ा गणपति के पास तुम कभी नहीं आई, फर्स्ट टाइम। यहाँ जी ये साड़ी पहना है और भाभी ने ये सलवार कुर्ती, तो ये कुर्ती ऐसा आप मेरे पास भी देखेंगे क्योंकि मैंने दो ही लिया था, तीन लिया था, एक भाभी के लिए, एक मेरे लिए और एक मेरी देवरानी के लिए। चलो और वो है हमारे दो बच्चे। इतना मजा की ना, इतना सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना, इतना धूप में घूमना है तो थोड़ा सा तो कष्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो बहुत मजा ही है, बहुत सीढ़ियाँ है, बहुत सारे सीढ़ियाँ है स्टेयर से। मेरा ननद में इसको पानिशमेंट दे रही है, इसको चढ़ा घूमने के लिए आई हूँ पूना। नीम पाता से नीम बेगुन होगा कल संडे मेनू, रात की खबे रात को बना दूंगी जाके। यहाँ से कुछ तोड़ना मना है, बैग के अंदर घुसा लिया है अभी नीचे में, नहीं लिया। मैं सिक्योरिटी को जाके बता दूंगी कि तुमने लिया है, देखो। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं गन्ने का जूस पीने। तुम्हें नियस चो बदमाश बोले कि ग्लास निया। हाथ झोंका ना योग दी। गन्ने का जूस पीने के लिए बैठे हैं, भालो ना जाएगा था आराम से बैठ के। फिर घर चले जाए वापस, नहीं यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है घर, किशोर भाई। हम लोग आ गए हैं प्रतिशिर्डी और वहाँ से
बड़ा गणपति से परिशिडी बहुत ही नज़दीक है और यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे मसालों की दुकान हुए, जो खड़े मसाले होते हैं ना, गरम मसाला, बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे ना ऐसे शॉप्स है प्रसाद के, चादर के, यहाँ पे हर तरह का और प्रसाद है यहाँ पे पूजा देने के लिए, और वो है मंदिर अंदर, और ये है गेट मंदिर का। भाभी ने पूजा के लिए चादर और स्वीट लिया है के लिए, पास्ता ना माँ तो खावे ना। और यहाँ पे ना 12 से 3 बजे तक और शाम को 6 से 9 बजे तक प्रसाद देते हैं, वो पेबल है, खरीद के खाना पड़ता है, ऐसे कूपन देते हैं। कत को एक एक 50 टाका करे, तो एक एक कूपन 50 रुपए का, 50 रुपए का, इसमें आपको पेट भर के खाना खिलाएंगे। और पूजा हो गया, मंदिर के अंदर बिल्कुल भी फोटोग्राफी मतलब अलाउड नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं उठा पाई। इतना सुंदर है ना मंदिर के अंदर वाला, ब्यूटीफुल, मतलब शेडी जैसा है ना वैसे, बट ये नया है, बाद में बनाया है, बोल के और सुंदर है, बट फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, मतलब राजबाड़ी जैसा है। पे खाना देते हैं, मतलब हमने जो कूपन लिया है वो देंगे यहाँ पे। रोटी, दाल, चावल, और ये एक चने की सब्जी, और ये है हलवा। हेलो मामा, खाना खा के ये बाहर का पोर्शन है पीछे का, हमको यहीं से निकल जाना है, इधर से हाथ धोने का नल है। कितना करके ये 50। और हम लोग वहाँ से निकल गए हैं प्रतिशेडी से, और इतना ज़्यादा गर्मी है ना अभी, सब पीछे, मैं, मम्मी, बिष्टी सब पीछे बैठे हैं, और भाभी और टुकुश सामने बैठे हैं, और बहुत थके हुए हैं। चूड़ा वो सब लिया है, दो छोटा छोटा। तो हम लोग प्रतिशेडी से बहुत पहले आ गए थे, और अभी मैं और अनुरुद्ध फिर से निकल रहे हैं फिश लाने के लिए। हम लोग लगभग चार बजे घर वापस आए, आके सब लोग बहुत टायर्ड थे, पानी वानी पी के ऐसे रेस्ट किया। मैंने रेस्ट नहीं किया, मैं शूट नहीं की, बहुत सारा कुकिंग करके गई थी ना, पूरा किचन बहुत मेस था, सब कुछ को साफ सुथरा किया। 6 बज गया, फिर आधा घंटा ऐसे ही लेटी थी। अभी मैं और अनुरुद्ध जा रहे हैं फिश मार्केट, फिश लेने के लिए, थोड़ा दूर जहाँ पे बंगाली फिश मिलता है, और सब लोग बहुत टायर्ड है, कोई निकलने के लिए राजी नहीं है। चलो स्नान। ये एक हार फिश है, और वहाँ पे एक बॉल फिश है, ये वाला अनुरुद्ध बॉल ले। भांगड़ा तानिया को एक्चुअली भांगड़ा बहुत अच्छा लगा, मैं ट्राई की थी उस दिन, उसको वीडियो नहीं बनाई थी मैं उस दिन, उसको बहुत अच्छा लगा मैरिनेट करके, वो भी वही ले रही। और यहाँ पे फिश 3 टाइप का लेके आए हैं, ये एक बड़ा सा कातला फिश था, वहाँ से ही लिए हैं, बहुत अच्छा पीस हुआ है, एकदम मोटा मोटा। और यहाँ पे बोआल फिश मिला है, बोआल माछ कम मिलता है यहाँ पे, इसका जो लाजा है वो इतना बड़ा है, तो ये ऐसे रहता है, ये बोनलेस होता है, इसमें काटा बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम। और यहाँ पे मेरी भाभी को भांगड़ा बहुत अच्छा लगा, तो भांगड़ा लेके आए हैं, यहाँ पे लगभग 800 ग्राम भांगड़ा है, और 1 किलो
कतला है। तो हम लोग बस अभी फिश लेके मैं और अनुद आए घर और यहाँ पे सब बच्चे पार्टी लोग जो हैं वहाँ पे डिनर कर रहे हैं, खाना खाएंगे। दाल राइस सब मैं सुबह सुबह बनाई थी, अभी से भाभी ने थोड़ा आलू ऐसे फ्राई किया है गोल गोल करके, कट करके, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और उसके साथ यहाँ पे पापड़ फ्राई किया है। आज इस वीडियो को भी ये पेंट करते हैं तो कुछ यहाँ पे मोबाइल देख रहा है, इतना साउंड आ रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय बाय, बिश्ते नाम से चिल्ला रही, बाय बाय बाय।